सो गाइस, बहुत ही जबरदस्त कंपैरिजन आपके सामने लेके आया हूँ यहाँ पे। Realme की टेक लाइफ S100 वर्सेस बोट की वॉच ब्लेज। देखेंगे दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है और एंड में मैं अपना कंक्लूजन भी देने वाला हूँ, तो एंड तक टिक रहेगा ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही टॉप नॉच है। यहाँ पे एल्युमिनियम की केसिंग यूज़ करी गई है दोनों में ही, और बेस दोनों में ही पॉलीकार्बोनेट का मिल जाता है आपको। और एक चीज़ और, आप शॉपसी एप्लीकेशन से शॉप करो, अपनी परचेज पे कैशबैक पाओ। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है जहाँ से आपको 50 रुपीज़ का कैशबैक वहाँ से मिल जाएगा। और अपने कुछ भी प्रोडक्ट आप बुक करते हो उसमें 200, 300, 250 रुपये का आपको कैशबैक और ऐड कर सकते हो, तो आपको पर्टिकुलरली हर एक प्रोडक्ट पे अप टू 300 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। और जैसे ही रिटर्न पीरियड खत्म होता है आप उस कैशबैक को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, अपने मेन अकाउंट में जो भी आपका बैंक अकाउंट है, और आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हो। कैसे आपको अकाउंट बनाना है, किस तरीके से, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है और एक वीडियो भी प्रोवाइड कर रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से जाके आप उसको देख के आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो कैसे आप वहाँ से अर्न कर सकते हो। तो आज इंस्टॉल करो शॉपसी एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो आज हम इन दोनों का कंपेरिजन स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने पब्लिसिटी कर दी है तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले कहीं ना कहीं मैटर करती है अगर हम कोई भी वॉच चूज़ करते हैं या स्मार्टफोन चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे रियलमी S100 में आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो 1.69 इंचेस की मिलती है। ब्लेज में भी आपको जो डिस्प्ले मिलती है बड़ी मिलती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर आपका प्रेफरेंस बड़ी डिस्प्ले है तो आपको ब्लेज के लिए ही जाना चाहिए। रियलमी वॉच में आपको थोड़ी सी छोटी डिस्प्ले मिलती है। अब बड़ी डिस्प्ले किसको बेटर रहेगी, अगर आपके वेस्ट लार्ज हैं या मीडियम है तो उसके लिए बड़ी डिस्प्ले वाली वॉच सही है। या आप अगर गर्ल हो तो ऑब्वियसली बात है आपको मीडियम या थिन वेस्ट होंगे आपके, तो आप जा सकते हो रियलमी S100 के लिए, या आप उससे भी थोड़ा सा जो 1.55 इंचेस की वॉचेस है तो उसके लिए आप चेक ऑन कर सकते हो। यहाँ पे पिक्सल साइज़ की बात करूँ तो ब्लेज में डेफिनेटली बेटर मिलता है एज़ कम्पेयर टू S100। S100 में आपको पिक्सल साइज़ भी थोड़ा सा कम मिलता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे रेस टू बेक दोनों मिल जाता है, बट ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे आपको LCD या TFT पैनल का यूज़ किया गया है। 2.5D कर्व ग्लास भी यूज़ किया गया है। प्रोटेक्शन कौन सा एक्जैक्टली कंपनी ने नहीं बताया, बट कोई ना कोई स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास तो कंपनी यूज़ करती ही है। पिक्सल पर इंच की शार्पनेस जो दोनों में ही बेटर मिलती है, यहाँ पे पिक्सलेट नहीं होंगी जब आप अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाते हो दोनों ही वॉचेस में, ये अच्छी बात है। अप टू 600 निट्स की आपको ब्राइटनेस S100 में मिलती है जो कि स्लाइटली बेटर है ब्लेज से। ब्लेज में आपको 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, बट ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में मैं कहना चाहूँगा बोट की वॉच ब्लेज ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू रियलमी टेक लाइफ S100, राइट। तो डिस्प्ले के मामले में स्लाइटली बेटर मैं एज देना चाहूँगा बोट की वॉच ब्लेज को। अब बात आती है यहाँ पे वॉच फेस की, तो क्लाउड बेस वॉच फेस आप दोनों में ही लगा सकते हो और गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच फेस आप लगा पाओगे। ये बेसिक फीचर मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। लाइव वॉलपेपर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में, तो यहाँ पे वॉच फेसेस में अच्छा काम किया गया कंपनी की तरफ से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग की बात करते हैं। S100 यहाँ पे स्ट्रेट डाउन हैंड्स डाउन विनर है यहाँ पे ब्लेज से, क्योंकि ब्लेज में सिर्फ आपको 14 ही स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, बट S100 में आपको 110 तक स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि रियलमी की जितनी भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरा, मेरे पास खुद रियलमी की वॉच है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे 90 प्लस स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एड ऑन किया गया होगा। IP68 की रेटिंग मिलती है S100 में। ब्लेज में 380 वाटर रेजिस्टेंस की रेटिंग मिलती है 30 मिनट तक समझ कर सकते हो। यहाँ पे डीप स्विमिंग के लिए नहीं बनी है दोनों में से कोई सी भी वॉच, ओपन स्विमिंग में या पूल स्विमिंग में आप लेके जा सकते हो। 85% तक की एक्यूरेसी मिल जाती है दोनों में ही, बट ब्लेज में आपको डेडिकेटेड चिप मिल जाती है, अपोलो 3 ब्लू प्लस चिप का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे स्मूथनेस बेटर हो जाती है डिस्प्ले की। तो यहाँ पे स्लाइटली मैं एज देना चाहूँगा बोट की वॉच ब्लेज को। और सेंसर्स की बात में करें तो सारे के सारे सेंसर अवेलेबल है, बट ब्लेज में आपको टेम्परेचर मॉनिटर नहीं मिलता है, जो कि आपको Realme Tech Life S100 में टेम्परेचर मॉनिटर का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो यहाँ पे S100 जीत जाती है हमारी ब्लेज से। अब यहाँ पे बात आती है एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो। रिप्लाई बैक ऑप्शन एज ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं है, बट ब्लेज में अवेलेबल है। यस, ब्लेज में ऑफिशियल मैंने बताया था, प्रीव्यू में भी बताया था कि रिप्लाई बैक ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और कॉल को कट म्यूट कर पाओगे दोनों में ही। फुल टच पैनल है, स्मूथ है, स्टटर लैग बहुत ही कम देखने को मिलता है यहाँ पे। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये बेसिक चीज़ें मिल जाती है दोनों ही वॉचेस में। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.0 मिलता है S100 में, और ब्लेज में आपको ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिल जाएगा, तो स्लाइटली बेटर यहाँ भी ब्लेज परफॉर्म कर रही है। फाइंड माई फोन, कैमरा, शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन भी अवेलेबल है दोनों ही वॉचेस में। एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर पाओगे। बोट वियरेबल्स एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी है बोट ब्लेज के लिए, और रियलमी लिंक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है आपको S100 रियलमी टेक लाइफ के लिए। अब बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं दोनों ही वॉचेस सिमिलर परफॉर्म करती है ऑन द पेपर, बट यहाँ पे अगर हम बात करें टिपिकल UI मिल जाता है दोनों में ही अलग अलग कस्टम वाला। मैं एक चीज़ यहाँ पे करेक्ट करना चाहता हूँ, S100 में आपको जो रैम रोम है बेटर मिलती है ब्लेज से, बट ब्लेज में अपोलो 3 प्लस का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से एक्यूरेसी इसकी मतलब स्लाइटली, और साथ में कह सकते हो आप फ्लूडिटी बेटर हो जाती है। डेडिकेटेड सेंसर तो दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। सिंगल बटन कंट्रोल दोनों मिलता है, और गेस्टर्स का आप यूज़ कर सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। ब्लेज में ड्यूअल बटन मिलता है एक्चुअली, एक स्पोर्ट्स पे जाने के लिए और एक मेन्यू पे जाने के लिए। तो यहाँ पे ब्लेज में स्लाइटली आपको जो फंक्शंस हैं बेटर मिल जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी की, तो यहाँ पे बैटरी बैकअप जो है वो कहीं ना कहीं ब्लेज का कम है एज कम्पेयर टू रियलमी S100 का। और 280 mAh टू भी एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगा, एक्सपेक्टेड है,
और रियलमी एस 100 में आपको एक्सपेक्टेड 320 mAh हो सकती है, 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड करती है दोनों ही वॉचेस, और 2 घंटे दोनों ही वॉचेस फुल चार्ज में ले लेती है। 12 दिन का रन टाइम क्लेम किया गया ऑन द पेपर एस 100 में, ब्लेज में आपको 7 डेज का रन टाइम क्लेम किया गया है। मैग्नेटिकली चार्ज हो जाती है दोनों ही वॉचेस, बट मैं रिकमेंड करता हूँ 15 से 18 वॉट या 20 वॉट के चार्जर से आप चार्ज करो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप फास्ट चार्जिंग या वूक चार्जिंग यूज़ करते हो तो इशू हो सकता है। एक्चुअल यूज़ की बात करो तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन कर दो आप, तो आपको करीब करीब 6 से 7 दिन का इजिली बैटरी बैकअप मिल सकता है, बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं तो आपकी वॉच 5 से 6 दिन चल सकती है। आपके यूजेस पैटर्न पर डिपेंड करता है, यहाँ पे मैं क्लेम नहीं कर सकता। मेन फीचर की बात आती है यहाँ पे, HR मॉनिटर दोनों में देखने को मिल जाता है 24/7, SPO2 लेवल मॉनिटर का ऑप्शन भी मिल जाता है, स्लीप ट्रैक कर सकते हो दोनों में, कैलोरी बर्न स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी है, सेडेंटरी रिमाइंडर मिल जाता है, और गाइस ब्रीथ रिलैक्स का मोड के साथ साथ फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। अब बात आती है बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी दोनों की टॉप नॉच है, यहाँ पे एल्युमिनियम की केसिंग है, बेस पॉलीकार्बोनेट का मिल जाता है दोनों में ही, तो यहाँ पे अच्छा काम किया गया। वॉच का जो वेट है वो एक्जैक्टली तो नहीं पता, बट यहाँ पे 45 ग्राम से ऊपर ही होने वाला है दोनों ही वॉचेस का वेट, और 20 mm स्ट्रैप साइज यूज़ किया गया S100 में, ब्लेज में 22 mm स्ट्रैप साइज यूज़ किया गया, तो आफ्टर मार्केट का भी आप चूज ऑन कर पाओगे। यहाँ पे सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है दोनों में ही, जो स्किन फ्रेंडली मेटल का यूज़ किया गया है यहाँ पे अच्छी बात है। वॉच डायल मेटल का है जैसे मैंने आपको बताया, एल्युमिनियम केसिंग है, बेस पॉलीकार्बोनेट का मिल जाता है, तो बिल्ड क्वालिटी में दोनों में टॉप नॉच काम किया गया है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, S100 अभी लॉन्च पे जाएगी, अभी आई नहीं है, बट ये 10 तारीख को जाएगी 12:30 बजे फ्लिपकार्ट पे, आप इसको ग्रैब ऑन कर सकते हो, शॉप सी एप्लीकेशन से ही करिएगा। अगर मैं बात करूँ S100 की, जो इसका जो प्राइस रह सकता है 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपीज़ तक रह सकता है, और ब्लेज की बात में करूँ तो 3500 रुपीज़ की ऑलरेडी अवेलेबल है अमेजोन पे, इसकी भी बेस्ट बेलिंग में अपडेट कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब कंक्लूजन की बात आती है, ऑब्वियसली बात, अगर आपको बड़ी डिस्प्ले वाली वॉच चाहिए तो बोट की वॉच ब्लेज बेटर रहेगी, क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है आपको, शार्पनेस बेटर मिल जाती है, पिक्सल साइज बेटर मिल जाता है ओवरऑल, तो बट स्पोर्ट्स मोड कम मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड रियलमी की बात में करूँ तो रियलमी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोट में नहीं है, स्पोर्ट्स मोड बहुत सारे हैं, टेम्परेचर मॉनिटर का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है जो कि ब्लेज में नहीं है, तो ओवरऑल यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि आपको बड़ी डिस्प्ले वाली वॉच चाहिए या आपको टेम्परेचर मॉनिटर चाहिए। टेम्परेचर मॉनिटर चाहिए तो रियलमी की वॉच के लिए जाना पड़ेगा, बड़ी डिस्प्ले वाली वॉच चाहिए तो बोट के लिए जाना पड़ेगा, बट बोट में टेम्परेचर मॉनिटर का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, और इवन अगर रियलमी ने क्विक रिप्लाई का ऑप्शन ऐड कर दिया तो सीधे स्ट्रेट अवे हार जाएगी हमारी ब्लेज। तो मेरा वोट ऑल एंड ऑल जाता है यहाँ पे रियलमी की वॉच के लिए, अगर ये वॉच 2500 रुपये से लेके 2600-2700 रुपये तक में भी लॉन्च होती है तो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है, बट अगर 3000 से ऊपर लॉन्च होती है तो गाइस मैं रिकमेंड नहीं करता। इसके अलावा आप 3000 से ऊपर में एमोलेड डिस्प्ले चूज़ कर सकते हो अगर आप जाना चाहते तो। बोट की वॉच मैट्रिक्स जो है 3500 रुपये में आई गेस अवेलेबल है, 3500 में या 3999 रुपीज़ में अवेलेबल है, बट वो सेल पे 3500 रुपीज़ में आ जाएगी, और उसके बाद आप थोड़ा सा कार्ड वार्ड अप्लाई करके कूपन कैशबैक मतलब लेके वहाँ से और सस्ती ले सकते हो, मतलब 3200-3300 रुपये में आपको मिल जाएगी। तो गाइज़ रेदर देन गोइंग फॉर LCD डिस्प्ले यू कैन ऑप्ट फॉर एमोलेड डिस्प्ले सिंपली, राइट, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो गाइज यही था मेरा एक डिप डाउन कंपेरिजन बोट की वॉच ब्लेज वर्सेस रियलमी टेक लाइफ S100 के लिए। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो और लिंक दे रखी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से ज्वाइन कर लो शॉप्सी एप्लीकेशन को। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।